ये जो NH-19 पर बालू माफिया का जो की जो समस्या है, मैं वहां परसों गया था। लोग बता रहे हैं कि 5-7 साल से इसी दशा में है और हर दिन 5 घंटे से 8 घंटे 10 घंटे जाम लगना ही है। हर ट्रक पे लोग बताते हैं कि 10 से 12 हजार रुपए का चालान कटता है। चालान कटना कह लीजिए या जो वहाँ पर दलाल है वो 12 हजार रुपए लेते हैं। और हजारों की संख्या में आश्चर्य की बात है कि 1000 से लोग ज़्यादा ट्रक बता रहे हैं कि डेली बेसिस पर यहाँ से बालू माफिया तस्करी करके बालू भेज रहा है। पूरे इलाके में इतनी धूल है कि लोग बता रहे हैं कि गाँव में दमा का और टीबी का केस बढ़ गया है। इतनी धूल है, हर दिन आप लोग तो लोकल पत्रकार हैं, आपको पता होगा, लोगों ने जो बताया मतलब हर गांव में मुझे बताया लोगों ने कि हमारे यहाँ फलाने आदमी का एक्सीडेंट से मृत्यु हुई है या फिर कोई बीमार पड़ गया, उनको अस्पताल ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं क्योंकि परमानेंट जाम लगा हुआ है। ये अकल्पनीय बात है कि NH-19 इतने दिनों से जाम, एक दिन लग सकता है, एक हफ्ते लग सकता है, एक महीना लग सकता है। यहाँ 5-7-8 बरस से लोग बता रहे हैं जब से ये गंगा पुल बना है तब से यही हालत है और हर गांव में सड़क जो टूटी हुई है उसकी एक वजह है ये बालू माफिया का ओवरलोडिंग करके गांव ग्रामीण सड़कों से ट्रैक्टर से बालू का ढोना। इतनी हालत खराब है, मुझे लग रहा है कि हम लोग पिछले 2 दिन से हाथ चल रहे हैं इस एरिया में, 3 दिन हो गए मुझे, और करीब करीब हर आदमी जो चल रहा है वो बीमार है। इतनी धूल, इतनी परेशानी है और इसी हालत में लोग यहाँ परमानेंट रह रहे हैं और कोई आवाज नहीं उठा रहा है, कोई बोल नहीं रहा है, पत्रकार बंधु लोग भी नहीं बोल रहे हैं। सब कह रहा है भैया बालू माफिया कुछ नहीं हो सकता, आप कुछ भी बोल दीजिए। ग्रामीणों ने बताया कि वो DF के पास गए तो वो भी कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोग मुझे हमको ऐसे भी मिले जिन्होंने दिखाया पेपर कि वो मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी जाकर इस बात को उठाया गया है, कमिश्नर को उनके मुताबिक सामने से फोन किया गया है, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं है। जितने नेता हैं चाहे यहाँ के सांसद हों विधायक हों तो सब उस रास्ते पर जाते ही नहीं है। सब लोगों ने भाया मीडिया ढूंढ लिया, उसमें लोगों ने जाना ही छोड़ दिया है। लोग बता रहे हैं कि ये करोड़ों की वसूली ये जिले एडमिनिस्ट्रेशन के तो बस का बात नहीं, इतना पैसा इतने लंबे समय तक कोई नहीं पचा सकता, ये तो ऊपर तक लोग पैसा ले रहे हैं। यही वजह है कि हर थाने पर का रेट लोग बता रहे हैं कि इस पूरी व्यवस्था में जो NH-19 वाले जो 3 थानों के नाम हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, 3 नाम आपके पास हैं कौन से 3 थाने हैं, वहाँ पर 1-1 करोड़ रुपया महीने का लोग पैसा दे रहे हैं थानेदार बनने के लिए, SHO बनने के लिए। ये हालात है, तो ये नई बात यहाँ सुनने को मिली। दूसरी बात जो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, जब चंपारण से हम चलना शुरू किए थे तो लोग ऐसा दबी जुबान में बताते थे कि महागठबंधन की अब सरकार बनी है, देखिए लॉ एंड ऑर्डर शायद बिगड़ जाएगा, यह बिगड़ सकता है, लोगों की आशंका थी। देखिए जब सरकार का इकबाल खत्म हो जाए तो आपको इस तरह की समस्या देखने को मिलेगी, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की सामान्य समस्या हो या जातीय और धार्मिक हिंसा की बात हो। जब सरकार का इकबाल ही खत्म है, कोई डर ही नहीं रहा है, मैं आपको बार बार आप ही के इलाके की बात बता रहा हूँ, 5 बरस से नेशनल हाईवे हर दिन जाम है और खुलेआम वहां से पैसा वसूला जा रहा है, 1 दिन नहीं, 1 हफ्ते नहीं, 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 5 बरस से, और कोई वसूली करने वाला डर नहीं रहा है। ऐसा तो है नहीं कि सरकार को पता नहीं है। तो जो धार्मिक हिंसा हुई है सासाराम में, बिहार शरीफ में, मतलब दुखद है और ये दिखाता है। देखिए ये माइनॉरिटी के नाम पर वोट लेकर राजनीति करने वाले लोग, इनकी सरकार है, इनका कोई इससे लेना देना नहीं है, इन्होंने वोट लिया बस बात खत्म हो गई, उनको क्या लेना देना है। मैं इतने दिन से पैदल चल रहा हूँ, मैं रोज मन से कहता हूँ, मैं करीब करीब 2000 से ज्यादा गांव में पैदल चल के गया और जितने भी मुसलमानों के गांव में मैं गया हूँ, हर मुसलमान के गांव में मैंने उतनी ही गरीबी बदहाली फतेहाली देखी है। दलितों के बाद जो सबसे गरीब बेहाल फतेहाल दशा में जो लोग रह रहे हैं वो मुसलमान हैं और मुसलमानों का एक मुश्त वोट लेने वाले लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो सिर्फ इस नाम पर वोट लेते हैं कि हम आपको सुरक्षा देंगे। तो बिहार शरीफ और सासाराम ने वो कलई भी खोल दी है, ये सुरक्षा देने वाले लोग भी नहीं है, ये तो पोलराइज करके डरा कर वोट लेने वाले लोग हैं कि मुसलमान डरा रहे।
और डर के उनको वोट देता रहे।